गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मम्मा ने अमेज़न से मंगाया था, देखते इसमें क्या है। क्या मंगाया यार, इतना छोटा बॉक्स। बोल तो देखो, इतना छोटा क्या मंगाया है ऐसा। ये क्या है? मम्मी को बोल इसमें से सिर्फ एक ही निकला है, पूरा नहीं है। अरे यार, एक बार ही तो मंगाया था वैसे। ये क्या है, झुमके हैं क्या? सो गाइस देखो, ये है इयररिंग और ये मम्मी ने अपने लिए नेक पीस मंगाया था। वाओ, एक ही, अच्छा दो ना। ये है नेक पीस और ये है इयररिंग। ये तो ब्लैक के साथ लगेगा। मम्मी को शादी आ रही है, उसमें साड़ी पहननी है ब्लैक। हाँ, तो उसके साथ ही मंगाया है। गाइस आप बताना, ये कैसा लग रहा है? ये बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट है, क्वालिटी भी बढ़िया है। तो गाइस आज निर्जला एकादशी है, इसलिए मैं ये लोटा, ये खरबूजा, ये चीनी, ये पैसे और ये शरबत मिनसूंगी। और एक पंखी है, वो मैं किसी, कोई सास, कोई ननद, कोई पड़ोसी, किसी को नहीं दूंगी, किसी गरीब को दूंगी जिसके पेट में जाए। मैं उन्हीं को देती हूँ, ना पंडितों को देती किसी को। मैं इसलिए उनको देती हूँ कि उनके काम आ जाती है, उनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो आज निर्जला एकादशी की कथा शुरू करते हैं। अब बोले, हे प्रतमा भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कथा कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे का उपवास करना ठीक कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, अतः आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। गाइस आपको पता है, पहले मैं एकादशी नहीं करा करती थी, मैं साल भर पहले ही एकादशी करने लगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा कि एकादशी का व्रत बहुत अच्छा होता है घर के लिए, तो वो करना चाहिए, इसलिए मैं एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। इसलिए कहते हैं कि अपने से बड़ों से कुछ सीखना चाहिए। वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, पर बहुत अच्छी है मेरे लिए, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको सुन के ही एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। सो गाइस, मैंने अपनी छोटी नंद से पता है क्या सीखा, मैंने अपनी छोटी नंद से सीखा चावल सिक्के वाले बनाना, और बड़ी नंद से अपनी से सीखा बैगन कुकर वाले बनाना। बैगन आलू वो कुकर वाली इतने अच्छे टेस्टी बनाती है, इतने अच्छे, बहुत ही अच्छे, तो मैं उनकी तरह कुकर वाले बैगन आलू बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी। तो इसलिए कहते हैं किसी से कोई भी हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई बाहर का हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो, अपने घर का हो, सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ओ गाइस, ये देखो, ये सैंडविच खा रहे हैं पनीर का बना के, मेरा बर्थ है आज, और ये दोनों, ये देखो मेरा बर्थ है ना, इसलिए बड़े तेज हैं दोनों। ये तो मैं नहीं खा रही है, ये नाके खा रहा है क्योंकि आज ही खा रहा है बस। मम्मा और मैं अभी गाय को चारा देने जा रहे हैं क्योंकि आज एकादशी है। गाइस ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ, और अभी हम चारा देने जा रहे हैं और मुझे हिचकियां आ रही हैं। गाइस देखो, ये पलक पड़ रही है, दिख रही है आपको? दिख रही है ना, देखो ये पलक पड़ रही है, उसका लैपटॉप ऑन है, उसकी किताब रखी है। कैसे पढ़ रही है पता है? वो अमृत पीने गई है, ऐसे पढ़ रही है। और ये महामूर्ति जो दिख रहे हैं, ये एक आधा घंटे से कह रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये ऐसे पढ़ रहे हैं। ये हाल है इन दोनों का। अब जब तक मैं इसको ना छिदर नहीं लगाऊंगी ना, जब तक ये पढ़ेगा नहीं, और एक थप्पड़ में ही पढ़ने लग जाएगा। गाइस ये देखो, मंदी बारिश भी हो रही है, और आज बताया गया है कि बहुत तेज वो आएगी आंधी, बहुत तेज रफ्तार से।
तो गाइस अभी दीदी और मेरे बीच में या फिर मम्मी और मेरे बीच में घमासान युद्ध होने वाला है बैट बॉल का, क्रिकेट का। देखते हैं कौन जीतता है और कौन नहीं। टप आई टप देंगे हम ऐसे मारेंगे टप फिरेगा टपा तो टप 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 ऐसे उड़ाता रहूँगा मैं तो भाई शॉट। सो गाइस देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, ये हमारे रसोई से बाहर का व्यू दिखा रही है ना खिड़की से। वाह दोस्तों मज़ेदार है, मज़ेदार है एकदम कहीं घूमने जाने का। पर क्या करें हम नहीं जा सकते क्योंकि आंधी भी बता रखी है और आज मम्मी का व्रत भी है। व्रत भी आज मेरा। सो गाइस दीदी क्या ये पहली बैटिंग और मेरी दूसरी, मेरी इसकी दूसरी नहीं आएगी गाइस, मैं ही खेलती रहूंगी, इसे बॉलिंग करेगा। और कुछ भी शीशे का सामान टूट गया ना तभी उस पिटेगा वो विकेट पे। पहले बता दीजिए जो लेट रख दी। पागल हो क्या विकेट छोड़ो दूर हो ले रैपिड मारो ऐसे मार दो गाइस। देख लो बढ़ रहा है बिना मतलब बॉलिंग नहीं करा रहा डाल रहा बताओ कौन सी ट्राई डाल रहा पहले। हाय धीरे ट्राई थी इतनी तेज होती है ट्राई अब आएगी ना जल्दी कोली बॉल इसको ही खेलो। चलो लो धीरे दे दिए धीरे धीरे गाइस ऐसे मारने को ले मैंने ऐसे मार दी बैक शॉट ढंग से दे दे बच गई मैं तो बच गई। मैं बॉलिंग नहीं कराऊंगी मैं सिर्फ खेलूंगी मैं नहीं हूँ कैच कर ली मैं नहीं हूँ गाइस को सबूत दिखाने के लिए उधर रख लेता हूँ। हाँ गाइस ने नहीं देखा तो देख लेना गाइस गाइस ये तो है हमारे घर में धीरे धीरे नहीं मन जाएगी कुछ भी लो अब नहीं हूँ अब तो आप आउट तो नहीं हूँ है ना भाई नहीं भाई अब देखो ना भाई क्यों भाई धीरे 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 ये आउट नहीं थी ये तो कुछ भी नहीं थी उड़ाओ मत यार पकड़ के मुझे हिलाने पर भी। ओ बोतल शॉट मम्मी इनको बोलो बैटिंग देंगी चाहे तेज बॉल डाल दे मम्मी 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 इनको बोलो बैटिंग देंगी पांच में बॉल डाल दो जब मैं खेल रही थी मैंने तभी मना किया था ये गलत बात है डाल दो आ जाओ ऐसी बोल दूंगी पहली बार में आउट। चलो देखते हैं गाइस हेलीकॉप्टर शॉट मारो यू डालो अबे जाओ खाते खाते ऐसे मत करो डालो यार नो थिंकिंग ड्रामा नहीं ओह ओह बच गया यू नहीं आउट है पहली बार ट्राई होती है रैपिड मारो कि दूसरी पे आउट हुआ है यार इतने तेज बॉल डाली देखो हे गाइस धीरे दे दिए धीरे 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 ओ कहां पे लगी है ठीक है मेरी गाइस ये टिन देखो फेंक लो बैटरी नीचे चली जाएगी यार सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी रसोई में नहीं आनी थी बॉल नहीं है कि पकड़ रहते वो तो बाढ़ गया बॉल बैट के नीचे। देखो ये मम्मी ने क्या बनाया घिया का हलवा ठीक है घिया की लोज हलवा समझ लो घिया की लोज घिया का हलवा जो भी होता है और उसमें मेरी मम्मी देखो ये फॉक है ना घी जम गया क्योंकि मम्मी ने फ्रिज में रख दिया था तो फॉक से निकाल रही है घी और उसके ऊपर फॉक से घी डाल रही है देखो ऐसा क्यों क्योंकि हमारा घिया की लोज तैयार हो चुकी है। अरे घी तो पिघला लो फिर निकाल लो फॉक से कौन घी निकालता है आएंगे तो फिर अछूता हो जाएगा। गाइस बारिश हो रही गाइस बारिश हो रही मौसम देखो बादल दो गाइस अभी मैं सब्जी लाई हूँ यहाँ पे मम्मी धनिया मिर्च और टमाटर काट रही चटनी बनाने के लिए क्योंकि आज बनेगी कुटू की पकौड़ी और साबूदाना क्योंकि आज एकादशी का व्रत है और बिना लहसुन प्याज की बनेगी तो मम्मी यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रही है और यहाँ पे दूध उबल रहा है मैं इसको देखने के लिए यहीं पर बैठी हूँ। अभी गाइस मैं बहुत सारी सब्जी लेके आई हूँ कुछ बोलो सारी तू तो नहीं खा जाएगी हाँ कच्ची खा जाऊँगी कच्चा भी खा सकती है मैं कच्चा पक्का सब खा जाती हूँ आई एम भूखा आदमी
गाइस दूध उबलने वाला है, फूक मार दो। सो गाइस देखो इसे अभी ये डांस क्लास आया, आती है गेम खेल रहा है और इतना बदतमीज हो चुका है कि हम इसे हॉस्टल भेजने वाले हैं। क्यों नहीं भेज सकती, नहीं भेज। हम कहीं भी भेज सकते हैं, पता है मेरी मम्मी का। क्या पता है, ब्लॉगिंग पेंट करते, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।